सब्सक्राइब करिए हमारा एग्जाम लाइन यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये है परसेंटेज का पार्ट टू। परसेंटेज का पार्ट टू में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, जो हमारा सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, जो किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जो शानदार ट्रिक क्या है एंड बेसिक क्या है, सारी की सारी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखिए, अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे जो परसेंटेज का पार्ट टू, ये पार्ट टू में हम लोग देखेंगे पूरी की पूरी अच्छी से अच्छी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम में 2-3 बार आए थे या तो आने का भी बहुत चांस भी है। ठीक है, इस जो परसेंटेज भी एक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। ठीक है, सभी हम लोग लगभग जो कि 50% चैप्टर कवर कर चुके हैं। आप इसको नहीं देखा तो मेरा प्लेलिस्ट में चल जाएंगे और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक है, ये लिंक को आप लोग क्लिक करके हमारा मैथ का प्लेलिस्ट पर जाइए। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का टॉपिक भी हम लोग कवर कर चुके हैं, आप इसको भी देख लीजिए, क्योंकि जो आगे आने वाला एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग जो देखेंगे परसेंटेज का पार्ट टू। आप अगर ये वीडियो को आप लोग नहीं देखा तो जरूर ये पार्ट वन को आप लोग पहले देख लीजिए, उसका बाद ये होगा हमारा पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोग पूरी जो हमारा फार्मूला बेसिक में एंड ट्रिक बेसिक में कैसे इसको परसेंटेज करना चाहिए सारी की सारी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, आप इसको भी पहले देख लीजिए। ठीक है, ये टॉपिक शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट मेरा चैनल को नई बार देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, हमारा जो परसेंटेज का रूल है हम लोग देखेंगे, परसेंटेज के अंदर की जो क्वेश्चन आते हैं सारी की सारी हम लोग देखेंगे। जो हम लोग पढ़ चुके हैं 12% ऑफ 20, इसका मीनिंग क्या है, 12% ऑफ 20 यानी 20 का 12% कितना है, कि ऑफ का मतलब जो का होता है गुणा होता है। ठीक है, 20 एंड 12% इसको आप लोग अच्छे से, ये परसेंटेज का मतलब है वहाँ पे 100 इंक्लूड है, ऑफ का मतलब गुणा 20। ठीक है, 20 पंचा इसका मतलब है 12/5 = 24। ठीक है, उसका बाद देखिए हम लोग जो 10% हम इसको कैसे लिखा है, इसका जो वैल्यू क्या है 10/100। ठीक है, और एक बात है 210 का 10% कितना है। ठीक है, जो हमारा ये जो गुणा को हम लोग इंग्लिश में ऑफ लिख सकते हैं एंड हिंदी में का लिख सकते हैं, का भी कह सकते हैं, ये दोनों को आप लोग ध्यान देना होगा। 210 का 10% आप ऐसे भी कह सकते हैं एंड इसको भी बोल सकते हैं 10% ऑफ 210, ये ही एक ही सॉल्यूशन है। हम इसको कैसे करेंगे, 210 × 100, ये परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 100 को भाग देंगे तो ये हमारा परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 21। ठीक है, इसी टाइप का हम लोग सॉल्यूशन किए थे। हम इसको देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने में कर रहा हूँ, आप इसको पहले देख लीजिए। ठीक है, एक ही है हमारा स्टेप इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज का मतलब क्या है आप इसको पहले समझिए। ठीक है, हम लोग क्या पे बात कर रहे हैं, परसेंटेज, इसका मतलब है हमारा 100 से बात हुई। ठीक है, जो हमारा इंक्रीज हम लोग जैसे कि कहेंगे इंक्रीज 30%, इसका मतलब है जो हमारा 100 से 30%, इसका मतलब 130%। ठीक है, डिक्रीज का मतलब है डिक्रीज 30%, इसका मतलब है 100 से 30 माइनस होगा तो हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू 70%। ठीक है, इसका इंक्रीज का मतलब 130, डिक्रीज का मतलब है 70। ठीक है, आप इसको ध्यान दें, ये हो गया हमारा सुपर ट्रिक, ऐसे ही हम लोग माइनस करेंगे। इसका जो बेसिक फार्मूला क्या है, यदि मैं ये 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी,
ठीक है, इफ 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन 25% ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ऐसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, जो कि शानदार क्वेश्चन माना जाता है, जो कई बार एग्जाम में ऐसी टाइप का क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए, ये जिस टाइप का लिखा है सेंटेंस, इसी टाइप का हम लोग पढ़ के सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, एक एक सेंटेंस में वर्ड छुपा है। 15% ऑफ ए, आपका मतलब हम लोग कह चुके हैं गुना, आप लोग जो जिस टाइप का दे रखा है इस टाइप का हम लोग लिख लीजिए। 15% ऑफ का मतलब गुना ए, इसका बाद इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, इसका मतलब है 20% ऑफ बी। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उस सारी को हम लोग लिख लिए। देन 25% ए, इसका मतलब है 25% ऑफ ए, ऑफ का मतलब है हमारा गुना। ठीक है, 25% गुना ए इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, हम लोग एक्स परसेंट इंटू बी, ये हमारे पास जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे पूरी ध्यान से देखिए वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा इसका जो 15% इंटू एक्स परसेंट इज इक्वल टू 20% एंड 25% 20% इंटू 25% जो एक्स परसेंट का वैल्यू आएगा, ये जो 15% वहाँ पे गुना हो जाएगा 20 × 25/15। हम इसको जैसे काटेंगे, 5 में काटेंगे 3 बार, ये काटेंगे 5 बार। ठीक है, इसका जो वैल्यू है 100/3 यानी 33/3%। क्लियर, इसका जो आंसर है 33/1/3%। ठीक है, आप ऐसे ही हम लोग करना चाहिए। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, फ्रॉम RS रुपया 2 इतना ही, व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज सैलरी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सैलरी। क्वेश्चन दे रखा है ए पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 72,000 टू 81,000। इसका मतलब है जो भी पर्सन का था पहले जो था 72,000, ये कन्वर्ट हो गया 81,000 में। ठीक है, इसका जो बीच का जो गैप पड़ा है कितने की पड़ा है, जो हमारा 81 में 72 गया तो हमारा 9 पड़ा, इसका मतलब है हमारा 900 का। पूरी ध्यान दे, जो सैलरी पहले जो सैलरी था ये है हमारा बाद में सैलरी, पहला सैलरी था 72,000, इसको हमारा जो 81,000 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ा है, 900 रुपया बढ़ा है। ठीक है, ये 900 रुपया पहले रुपया से कितना परसेंट है, आप लोग देखिए कितना परसेंट इंक्रीज है, हमारा जो इंक्रीज है 900 रुपया, एक्चुअली 900 रुपया इंक्रीज है, हमारा पूछा जा रहा है क्या, कितना परसेंटेज सैलरी का परसेंटेज इंक्रीज है, हम लोग परसेंटेज वैल्यू हम लोग को निकालना चाहिए। वहाँ पे और एक बात बनते हैं, जो हम लोग जो तुलना किए हैं
ये सिर्फ पहले वाले सैलरी से करेंगे, ठीक है, दूसरे वाला से सैलरी से नहीं है, क्योंकि ये पहली वाला सैलरी से ज़्यादा होने का कारण भी ये दूसरे वाले बनते हैं। इसका मतलब है हम लोग जो बटे फॉर्म में ले आएंगे 72 से, इसका मतलब है 72,000 से 900 रुपया कितना परसेंटेज ज़्यादा है। परसेंटेज निकालने के लिए ये जो हमारा हो गया पी बटे क्यू फॉर्म, हम इसको सिर्फ 100 से गुणा करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसल, ये जो 9 में एक बार जाएगा 100, ये 8 बार जाएगा, इसका जो भाव आएगा 12.5%। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ए पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 72,000 टू 81,000, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हिज सैलरी। देखिए पहले जो सैलरी था 72,000 था, बाद में कितना हो गया 81,000, इसका मतलब सैलरी कितना बढ़ा है, 900 बढ़ा है। 900 कहाँ पे बढ़ा है, 72 से बढ़ा है। हम लोग को इसको लिखने चाहिए सिर्फ 72 से कितना अधिक है 900, एंड कितना परसेंट अधिक है तो 100%। ठीक है, आप लोग शायद आप लोग समझ गया, जो भी कुछ को जो स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रवि सैलरी इज 20% लेस देन शिवस सैलरी। ठीक है, रवि सैलरी इज 20% लेस देन शिवस सैलरी। ठीक है, देन शिवस सैलरी इज मोर देन रवि सैलरी। देखिए वहाँ पे तो हमारे पास कुछ दिया नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ 20% दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है रवि सैलरी इज 20% लेस देन, ठीक है, लेस देन जो शिवस सैलरी। हम लोग शिवस सैलरी को हम लोग मान लेते हैं, हमेशा 100 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात हुई तो हम लोग 100 मानेंगे। ठीक है, दे रखा है शिव सैलरी 100%। ठीक है, ये हमारा लेट है, क्योंकि ये परसेंटेज की बात हुई हम लोग 100% ही मानेंगे, शिव सैलरी लेट 100%। ये दे रखा है रवि सैलरी लेस देन शिव सैलरी, शिव सैलरी से 20% लेस देन। ठीक है, जो हमारा रवि से सैलरी होगा ये कितने की होगा, जो 20% लेस देन शिवर सैलरी, शिवर सैलरी यदि 100% है तो -20% कहाँ पे पड़ा है, 80%। ठीक है, तो हमारा आ गया शिवर सैलरी 100% है, रवि सैलरी 80% है। हम क्या बता जा रहे हैं, देन शिवस सैलरी इज मोर देन रवि सैलरी। ठीक है, जो शिवस सैलरी है ये कितने की रवि सैलरी के अधिक है, जो मोर देन एंड लेस देन ये किसको बुझाएंगे और किसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, मोर देन एंड जो लेस देन छोटा या बड़ा, ये सिर्फ डिफरेंस की बात हुई। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास देखिए ये 100 है, ये 80 है, हमारा कितना डिफरेंस है, 20 है। ठीक है, ये जो 20 है ये वहाँ पे कितना अधिक है, इसका मतलब है जो शिव सैलरी कितने है रवि सैलरी से, रवि सैलरी है 80%, शिव सैलरी कितना अधिक है 20%, जो रवि सैलरी कितना है 80 है, कितना अधिक है जो 20 अधिक है शिव सैलरी। ठीक है, रवि सैलरी से शिव सैलरी कितना अधिक है, 20 सैलरी 20 अधिक है, हम लोग परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 20 में ये 4 बार जाएगा, ये 400 में 25 बार जाएगा, आंसर होगा 25%। ठीक है, आप इसको पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि सैलरी इज 20% लेस देन शिव सैलरी, इसका मतलब है जो शिव सैलरी हम लोग 100% मानिए, एंड जो शिव सैलरी से 20%, इसका मतलब 80% हो गया रवि सैलरी। ठीक है, उसका बाद देन शिव सैलरी इज
मोर देन रवि सैलरी, रवि सैलरी से शिव सैलरी कितना अधिक है? ये रवि सैलरी से शिव सैलरी 20 अधिक है। इसका मतलब हम लोग तुलना कहाँ पे करेंगे? सिर्फ रवि सैलरी से करेंगे। रवि सैलरी हो गया हमारा 80, कितना अधिक है तो 20 परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। ये जो आंसर है हमारे पास 25% अधिक है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एसी टाइप का होता है। वन क्लास में 75% पास, ठीक है, एंड इफ फेल 150 स्टूडेंट, ठीक है, देन टोटल स्टूडेंट कितना, ठीक है। ऐसी टाइप की क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने की बात है, ठीक है। हमारे पास परसेंटेज के सिर्फ बात हुई, ये परसेंटेज जहाँ पे लगा परसेंटेज की माना है, हम वहाँ पे भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। 75% का मतलब हम लोग क्या वो समझे, 75/100, इसका मतलब 100 से 75 क्या है, पास है, ठीक है। यदि 100 से ये यदि 100 से 75 पास है, अवशिष्ट हमारा 25 फेल है, ये हुआ या नहीं हुआ? यदि 100 से 75 पास है तो 100 से 25 भी फेल है। हम इसको फेल स्टूडेंट का जो दे रखा है 150 स्टूडेंट, इसका मतलब है 25 हमारा कितना पड़ा, जो 25 हमारा कितने की पड़ा, 150 की, ठीक है। तो हमारा एक कितने की पड़ेगी, 150/25, ठीक है। हम इसको काटेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, तो हो गया हमारा 6 की, 1/6 की। तो हमारे पास कुल कितना स्टूडेंट है, 100 है, यानी 100 से हम लोग 75 लिया है पास, 100 से हमारा 25 हो गया फेल, हमारा 100 तो पड़ा, टोटल स्टूडेंट क्या है 100, 1/6 तो 100 का पड़ा 600, हनी हमारा 600 हो गया क्या टोटल स्टूडेंट, क्लियर, ठीक है। हम ऐसी टाइप का हम इसको करेंगे। और एक शॉर्टकट तरीका है, आप लोग इसको देखिए, यदि 75 पास है तो 100 से 75 गया हमारा 25 बनता है, 25% पड़ा कितना की, 150 की, ठीक है। 100% कितने की पड़ेगी, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, 125/25, 25 × 400, 150 × 600, ठीक है आंसर। इस टाइप की हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कर। ये जो था ये एक अलग स्टेप था, हम ये जो स्टेप के पढ़ेंगे रिडक्शन, ठीक है, जो रिडक्शन जो होता है इंक्रीज या डिक्रीज में होता है, ठीक है। इसी टाइप का एक जो शुगर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बार बार एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिए, परसेंटेज के एक्स्ट्रा चैप्टर है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ए रिडक्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ए रिडक्शन ऑफ 20%, ठीक है, ए रिडक्शन ऑफ 20% ऑफ द प्राइस ऑफ राइस, ठीक है, एनेबल्स ए पर्सन टू बाय 3.5 kg फॉर 770 रुपया, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस कितने की पड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको आप लोग पढ़िए।
जो कि अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, आप इसको पूरी की पूरी ध्यान दें। क्वेश्चन दे रखा है ए रिडक्शन ऑफ 20% इन इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस एनाबल टू पर्सन बाय 3.5 kg मोर देन राइस 770 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस कितना की पड़ा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग पूरी पूरी ध्यान से करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो रिडक्शन होता है ये 20% होता है। ठीक है, ये 20% में हम लोग को 3.5 kg मिलता है। ठीक है, जो मोर देन राइस 750 में 770 में हम लोग देखिए, जो 20% का हम लोग निकालिए 3.5 kg। ठीक है, तो हमारा 20% रिडक्शन होता है, 20% में हमको मिला है। जब भी 20% रिडक्शन हुआ है तो हमारा 3.5 kg हमको मिला है। ठीक है, यदि 100% है तो हम इस कितना मिलेगी। ठीक है, 17.5 kg हम इसको जैसे काटेंगी तो 20 में ये जाएगा 5 बार, ये हो गया हमारा क्या 17.5 kg। इसका मतलब है ये कितने की अधिक है और कितना इसका रिडक्शन होने का बाद ये कितना ओरिजिनली क्वांटिटी कितना है। 17.5 में 3.5 हमारा रिड्यूस हो गया, इसका मतलब रिडक्शन का मतलब है जो हमारा एक्चुअली ये था रिड्यूस हो गया 3.5 kg। ठीक है, मोर देन होता है इसका मतलब 3.5 kg ही हमारा रिड्यूस होता है, इसका मतलब है 14 kg। ठीक है, ये जो 14 kg का कॉस्ट है 770। ठीक है, जो 14 kg का रेट है 770, तो हमारा 1 kg का कितने की पड़ा, 55 रुपया। ठीक है, 55 kg। ठीक है, आप इसको पहले समझिए, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए राइस, यदि राइस का 20% रिडक्शन हुआ है तो एनाबल पर्सन बाय 3.5 kg मोर देन राइस 770, इसका मतलब है 3.5 kg का जो भाव है 770 यदि हमारा 20% रिडक्शन हुआ है। ठीक है, 20% रिडक्शन होने का बाद हमारे पास मिला है कितना 3.5 kg, इसका मतलब है 20% रिडक्शन होने का बाद हमारा 3.5 kg मिला है। एक्चुअली 100% होने के बाद तो हमारा कितना है 17 kg मिला है। हम इसको देखिए, ये 100% 20% रिडक्शन होता है, इसका मतलब है 17 kg से 35 kg रिडक्शन होता है, इसका मतलब है ओरिजिनल हमारा पास 14 kg। ये जो 14 kg का भाव है 770 का भाव है 770, तो 14 kg का भाव यदि 770 है तो 1 kg कितने की पड़ा, 55 की पड़ा। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा 5 टाइप का क्वेश्चन। हम लोग जो पार्ट 2 लेकर आएंगे वहाँ पे भी थोड़ा सा पूरी डिफरेंस क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो जरूर के लाइक कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये परसेंटेज चैप्टर हम लोग लगभग जो कि सीरीज हम लोग चलाएंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं सारी हम लोग खत्म करने का भी प्रयास करूँगा जो एक एक पार्ट करके। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको देखिए, और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, इसीलिए आपको दिक्कत होने का चांस भी है। इसीलिए मैं इसका पार्ट पार्ट करके आप लोग को पास रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक दिन में 5 टाइप का क्वेश्चन आपको नोट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सो ये था जो 5 टाइप का क्वेश्चन। हम और एक अलग अलग जो कि टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।